राइड पे निकले हैं और आज की राइड है 10-15 लोग हैं। ओ गाय बहुत सारे। मैं 160 पे आ गया हूँ और मेरी बाइक मेरे ही पीछे है। ये मेरा फेवरेट रास्ता है। हाँ भाई वहाँ बादल भी आ गए अब तो। लेट्स सी कितनी चलती है आज। रेट थोड़ी ज़्यादा। अभी एक खड्डे में बाइक गिरा है। गुड मॉर्निंग। राइड पे निकले हैं और आज की राइड है झांझरी वाटरफॉल मेरे गांव के पास। तो अहमदाबाद से लोग आ रहे हैं, मैं उल्टा अहमदाबाद नहीं गया। मैंने बोला कि मैं गांधीनगर से ही ज्वाइन करूंगा क्योंकि यहीं से रास्ता निकलता है। जाते चर्च जीरो सर्कल, वहां पे लोगों का वेट करेंगे। कुछ लोग बड़ोड़ा से आए, कुछ लोग अहमदाबाद से, ऐसे करके 10-15 लोग हैं। 10-15 मिनट और लगेगा। मैं जल्दी ही आ गया हूँ यहाँ पे। आ गए हैं हमारे राइडर्स। पहुंच गए गांधीनगर से निकलते ही फोटोशूट भी स्टार्ट हो गए। आज शायद मैं लीड कर सकता हूँ क्योंकि मेरा घर का रास्ता है तो मेरे को मालूम है रास्ता। तो अभी तो गांधीनगर में ही है। गाय बहुत सारी गाय। झांझरी वाटरफॉल लास्ट टाइम गए थे वो झरवानी गए थे। भाई संभाल के आवाज से कहीं पे लापता ना हो गए। यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, 50 किलोमीटर होगा। यहाँ से मेरे घर से 60-70 किलोमीटर है। यहाँ 10 किलोमीटर आए तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मैंने बाइक सेव कर लिया है। मैं 160 पे आ गया हूँ और मेरी बाइक मेरे ही पीछे अगर दिख रही होगी तो भाई क्या मतलब खुद की बाइक देखने में क्या मज़ा आता है, अलग ही सीन रखता हो यार। भाई साहब क्या बाइक लग रही है, मज़ा आ गया। खुद के बाइक देखने का अलग ही मज़ा है। ये मेरा फेवरेट रास्ता, पेड़ों से गिरा हुआ यार ये रास्ता। व्हाट अ ब्यूटी मैन, मस्त लगता है, मस्त। फेवरेट, माय फेवरेट। यार खुद की बाइक। वाह भाई वाह। यहाँ का भजिया वर्ल्ड फेमस तो नहीं बोल सकते लेकिन हमारे में बहुत फेमस है। मेशो नदी देखते हैं पानी है कि नहीं है। दो ही दिन पहले आया था वैसे तो। आहा पानी तो है भाई, है अच्छा है। अभी चाय नाश्ता कर गया है, फिर यहाँ से निकलते हैं। 15-20 मिनट का रास्ता है यहाँ से, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अभी। सो पहुँचते हैं, चलिए। वाह क्या हरियाली है बॉस। ये वातरक नदी, यही नदी एक्चुअली आगे जाके झांझरी में मिलती है। यहाँ पे तो लगता है कि जैसे पानी ही नहीं, लेकिन झांझरी में एक्चुअली बहुत सारा पानी। मैं 2 दिन पहले ही आया था जन्माष्टमी के दिन। 4-5 किलोमीटर है अभी यहाँ से और छोटा सा रास्ता है। ऐसे हरियाली भरी जगह हो ना तो मज़ा आ जाए, एक्चुअली मज़ा आ जाए। हाँ भाई वहाँ बादल भी आ गए अब तो, सोने पे सुहागा का जैसा सीन हो गया है। अरे भाई क्या ऑफ रोडिंग है। अच्छे है कि कल या आज यहाँ पे बारिश नहीं गिरी, वरना तो फिर देख रिक्शा वाले आ ही रहे। कमर की तो वाट लग गई। और ये आज रेट थोड़ी ज़्यादा है, उस दिन तो नहीं थी।
અહીંથી જ જવાનું છે, પણ ઉભા રહો, કલ્પનભાઈ બીજા રસ્તે લાગે છે. જતી રહેશે કાકા? આ તો જતું રહેશે. હા 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 હા, ઝાંઝરી આ ગઈ હમ કહા. કોટા રસ્તે ચલા ગયા મેં. वो शायद उस तरफ या इस तरफ है, वो लोग अलग रास्ते चले गए. फोन करके पूछो उनका सामान है वो. हर्ष भाई क्या थी चढ़ायो? क्या थी चढ़ायो? जाओ से नहीं, स्टेबल नहीं रहे. सीधी जोर से जान दो. अभी गोप्रो की रिटर्न जर्नी आ गई है. गोप्रो की क्या झांझरी सरवानी भी नहीं, सरवानी तो जाके आए. झांझरी की रिटर्न जर्नी आ गई है और गोप्रो में बैटरी भी 30% है, 30. वो लेट्स सी कितनी चलती है, क्योंकि पावर बैंक मैं लाया नहीं हूँ, भूल गया हूँ. तो फूड कोर्ट, फिर वहाँ से रिटर्न डायरेक्ट अपने गाँव, सॉरी अपने घर. अभी एकदम मतलब बारिश जैसा एटमॉस्फेयर हो गया है, काले काले बादल, एकदम मस्त यार, क्या एटमॉस्फेयर है भाई. रिटर्न हो गए हैं 4:30 झांझरी से फूड कोर्ट गए, थोड़ी मस्ती की, फोटोशूट किया और अब रिटर्न हो गए. मेरे को इतने बजे तक तो घर पे पहुंचना था, अब मेरे को जल्दी भागना पड़ेगा. शांति से ये 70-80 की स्पीड में ही जाएंगे, क्योंकि रास्ता भी ऐसा नहीं है कि हाई स्पीड में दौड़ा सके. अभी एक खड्डे में बाइक गिरा नहीं है, मतलब ऐसे खड्डे में गई है और मेरा पीछे का एलॉय ऑलरेडी बैंड है. तो भगवान करे कि कोई दिक्कत नहीं हो. बस यहाँ पर हम पहुँच गए गांधीनगर, ऑलमोस्ट चिरोड़ा क्रॉस कर दिया है और अभी तक तो टायर में कोई दिक्कत नहीं आई है, देखते हैं. और गोप्रो की बैटरी भी मालूम नहीं कितने परसेंटेज है. चलिए तो देखते हैं कहाँ ब्लॉक, अगर बैटरी शायद ख़त्म ना हो तो आगे मिलते हैं, वरना टाटा बाय बाय. यहीं पे ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जल्द ही. राजनान आया मेरा, माहियान आया, माहियान आया मेरा, राजनान आया कादा, नूर वेख के अखादा, नूर वेख के.